Assalamualaikum friends, welcome back to my channel IML Sawa. आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लम न्यू लॉन्च विटामिन सी टोनर। और ये प्लम का न्यू लॉन्च 1.5% ग्लो बूस्ट टोनर है। सो गाइज, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये जो पैकेजिंग है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है और क्लासी लग रहा है देखने में। एंड गाइज, ये डार्क बॉटल में आपको मिलता है जो ये प्लास्टिक का है। इसकी फुल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको इसके बैक साइड पर मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइज, इसकी क्वांटिटी आपको 100 ml मिलती है और इसकी प्राइस है 425। ये एक फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल कलर फ्री है, एसेंशियल ऑयल फ्री है और SLS फ्री है, प्लस इसमें अल्कोहल यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया। ये अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, इवन इसमें प्रोपाइल ग्लाइकोल भी यूज नहीं किया गया। ये एक तरह से केमिकल फ्री प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको इस प्रोडक्ट में इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको काकाडू प्लम मिलता है जो कि एक प्लांट बेस्ड रिचेस्ट सोर्स होती है विटामिन सी की, जिसमें आपको एक ऑरेंज के कंपैरिजन में 75% ज्यादा होता है। इसके अलावा इसमें आपको जापानीज मैंडरिन मिल रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के क्लेम की, ये प्रोडक्ट क्या क्लेम कर रहा है। सो गाइज, इस प्रोडक्ट का क्लेम ये है कि ये आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन एंड सन डैमेज से फाइट करेगा, आपकी स्किन को इंस्टेंट रिफ्रेश करके साथ ही साथ आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देगा, प्लस ये आपकी स्किन पोर्स को टाइट करेगा एंड ये आपके पोर्स के अपीयरेंस को मिनिमाइज करेगा, यानी कि आपके अगर लार्ज पोर्स है तो ये उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये तो थी इसकी क्लेम। सो गाइस, आप इस प्रोडक्ट को डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे डे टाइम में यूज करते हैं तो आपको एक अच्छा सा सीरम एंड मॉइस्चराइजर यूज करना है। एंड गाइस, सीरम और मॉइस्चराइजर के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो होता है सनस्क्रीन का। तो अगर आप इसे डे में यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन आपको डेफिनेटली यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के साथ साथ ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। इस टोनर में इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड यूज किया गया है जो कि विटामिन सी की एक काफी ज्यादा स्टेबल वाटर सोल्यूबल फॉर्म होती है जो कि आपकी स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही अच्छे से आपके डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड डल डैमेज स्किन पे काम करती है। इसके साथ साथ आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज करती है। इस टोनर में जो सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है वो है काकाडू प्लम। काकाडू प्लम हमारी स्किन रिजुग्नेशन को प्रमोट करती है, हमारी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करता है जिससे हमारी स्किन प्लम हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज लगती है और हमारी स्किन हेल्दी दिखती है। प्लस गाइस, इसमें यूज किया गया है लास्ट इंग्रेडिएंट्स और वो बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारी स्किन के लिए और वो है जापानीज मैंडरिन। जी हाँ गाइज, इसमें यूज किया गया जापानीज मैंडरिन जो कि स्किन के कोलेजिन को इंक्रीज करता है एंड हमारी स्किन को ब्राइट ग्लोइंग एंड स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। एंड गाइज, जब हमारे कोलेजिन प्रोडक्शन अच्छे होते हैं तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो जाती है, हमारी स्किन ब्राइट ग्लोइंग एंड साथ ही साथ हमारी स्किन पर एक हेल्दी ग्लो भी आ जाता है। सो गाइस, अगर मैं बात करूं कि आप इस टोनर को कैसे यूज कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आपके फेस पर मेकअप है तो आप गार्नियर के न्यू लॉन्च विटामिन सी मिसलर क्लीनिंग वाटर से इसे रिमूव कीजिए जो कि बहुत ही बेस्ट है। गाइज, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और इसका मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहे तो वहां पर जाकर इसे डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिसलर क्लींजिंग वाटर से आपको अपने फेस से मेकअप को रिमूव करना है, देन आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप एक विटामिन सी फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कीजिए। एंड गाइस, ये विटामिन सी टीनेजर बिगिनर सभी के लिए बहुत ही बेस्ट है एंड इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो शेयर किया है अपने चैनल पर, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेकअप रिमूव करना है, देन आपको अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश करना है, देन आपको विटामिन सी का टोनर अप्लाई करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं जो कि सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है, चाहे आपकी स्किन ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है। उसके बाद आपको यूज करना होगा एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर।
तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर आपको पॉन्ड्स रेकमेंड करूंगा। गाइस, मॉइस्चराइजर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है हमारी स्किन केयर का वो है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूट्रोजिना का अल्ट्रा ड्राई टच सनस्क्रीन यूज कीजिए, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है और ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है विंटर के लिए। सो गाइज, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ टोनर का रिव्यू करने के साथ साथ आपको एक अच्छा सा स्किन केयर भी बता दिया है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप 1 वीक में ही आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा अपनी स्किन पर। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यू लॉन्च वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।